और पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानों में शीतलहर, लेकिन उत्तर भारत को आज से इससे राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे चुका है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरा पश्चिमी विक्षोभ कल यानी कि 20 जनवरी से 26 जनवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर असर डालेगा। 23 से 25 जनवरी के बीच इसका असर उत्तर पश्चिम भारत पर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। आज उत्तर पश्चिमी भारत के बहुत से इलाके में कोहरा नहीं है और विजिबिलिटी सामान्य है। दिल्ली में भी ठंड से थोड़ी राहत आज महसूस की गई है। अमूमन आपने देखा होगा कि जब आप सुबह के समय उठते हैं, सूरज जब तक नहीं निकलता है तब तक रजाई से बाहर निकलते ही आप ठिठुरन महसूस करते हैं, लेकिन आज ठिठुरन में थोड़ी कमी दर्ज की गई। सफदरजंग में आज सुबह न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों 2 के आसपास बना हुआ था। पहाड़ों पर चल रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मैदानी इलाकों में पारा चढ़ रहा है और इसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक ही दिन में तापमान लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जबकि 2 दिन में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना यह है कि हल्की बारिश की संभावना है आने वाले दिनों में, और यह माना जा रहा है कि इस बारिश के बाद पारे में लगातार चढ़ाव देखा जाएगा, यानी कि पारा लगातार ऊपर जाएगा और ये जो सर्दी इस समय आप महसूस कर रहे हैं इससे धीरे धीरे निजात मिलेगी।